The Delhi Disaster Management Authority has imposed a night curfew in Delhi. This is a night curfew that will be in place for two nights. Tonight, the 31st of December, and tomorrow night, the 1st of January, from 11 p.m. to 6 a.m. No public gatherings have been allowed. No New Year celebrations have been permitted as well. My colleague Sharad, who's breaking this information for us, is joining us on the broadcast. Sharad, ye faisla liya gaya hai DDM, Delhi Disaster Management Authority ke taraf se, ki do raaton ka night curfew hoga. हाँ बिल्कुल, असल में क्योंकि इस समय एपिडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो जो भी फैसले लिए जाते हैं टॉप अथॉरिटी में वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत लिए जाते हैं, तो उसी ने ये आदेश जारी किया है. तो ये कहेंगे कि दिल्ली सरकार ने किया है या मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है, एक ही बात है. तो दो दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, 31 दिसंबर को रात को 11 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक, और फिर 1 जनवरी को रात 11 बजे से लेकर 2 जनवरी सुबह 6 बजे तक. इस दौरान कोई भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते. जैसे कि हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते. किसी भी तरह की गैदरिंग, किसी भी तरह का कोई जश्न, कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन, किसी भी तरह की पब्लिक प्लेस में ऐसी किसी गैदरिंग की या फिर जश्न की इजाजत, सेलिब्रेशन की इजाजत नहीं होगी. लेकिन हाँ, लोग जो अपने काम से घर जा रहे हैं, वो इंटर स्टेट जा रहे हैं या इंट्रा स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल कर रहे हैं या स्टेट में ही ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, उस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगी. ये केवल और केवल जो लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए निकल सकते हैं उनके लिए ये नाइट कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया गया है पहली बार. तो केवल दो दिन के लिए ही है ये, और ये भी केवल रात के समय गैदरिंग ना हो, कोई जश्न ना मनाए, जिससे कि कोरोना जो इस समय दिल्ली में अपने लोएस्ट लेवल पे आ गया है उसमें कहीं एक बार दोबारा से उछाल ना आ जाए. तो इसलिए दो दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. ऑल राइट, शरद शर्मा, अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस विद द वेरी लेटेस्ट.